मैट्रिक एडिशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं, मैट्रिक एडिशन होती कैसे है। हम मैट्रिक एडिशन इस तरह से करते हैं कि जो हमारे कॉमन सेल्स होते हैं दोनों मैट्रिक्स के, उन दोनों पर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। और इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी ऐसी होती है कि वो दो एलिमेंट्स जो कि कॉमन सेल के अंदर है हमारे पास, ठीक है, जिनकी लोकेशन सेम है, उनको हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? जीरो जीरो पोजीशन वाला यहाँ से हम लेंगे और जीरो जीरो पोजीशन यहाँ से, ठीक है। और जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगा उसकी जीरो जीरो पोजीशन पर हमारे पास इन दोनों का सम होगा, सो जीरो प्लस जीरो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, वन वन पोजीशन को, तो वो कैसे होगा? मैट्रिक्स ए की वन वन पोजीशन प्लस मैट्रिक्स बी की वन वन पोजीशन, क्या हमारे पास आएगा? वन प्लस टू, और उसका आंसर आ जाएगा थ्री, और ये जाकर सेव होगा वन वन पोजीशन पर, ठीक है। सो अब हम करते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। इसको करने के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा के पूरा मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी। सो नेस्टेड लूप लगाने के लिए हम इसी लूप को कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गई नेस्टेड लूप, ठीक है। अब हमें जो मेन काम करना है वो यहाँ पर करना है, हम क्या चाहते हैं? हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है उसके अंदर वैल्यू सेव हो जाए मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, ठीक है। सो वो करने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा मैट्रिक्स सी, ठीक है। मैट्रिक्स सी की आई जे पोजीशन पर हम कौन सी वैल्यू सेव करने वाले हैं? मैट्रिक्स सी की आई जे पर हमारे पास पड़ा होगा मैट्रिक्स ए का आई जे प्लस मैट्रिक्स बी का आई जे, ठीक है। सो हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास जो आई और जे पोजीशन ए की है और आई और जे पोजीशन बी की है, उन दोनों जगह पर जो वैल्यूज पड़ी हैं वो दोनों हमारे पास आ जाएंगी, हम उनको ऐड करेंगे और मैट्रिक्स सी की आई और जे पोजीशन पर हम वो जाकर रख देंगे। सो ये है काम कि किस तरह से हम मैट्रिक्स की एडिशन को परफॉर्म करेंगे। अब हम ये करते हैं कि हम अपने पास जो मैट्रिक्स सी है उसको प्रिंट करवा कर चेक कर लेते हैं कि आखिर हमारे मैट्रिक्स सी में पड़ा क्या हुआ है, ठीक है। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे मैट्रिक्स सी के अंदर मैट्रिक्स की एडिशन परफॉर्म्स ठीक से हुई है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुका है और हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स सी प्रिंट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन ठीक आया है या नहीं, ठीक है। सो मैट्रिक्स की एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना था? सेम लोकेशन वाले सेल्स को ऐड करना है, ठीक है। सो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और उसकी पोजीशन भी हमने वही रखी जो पहले थी उनकी पोजीशन, ठीक है। जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है, जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू। सो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स की एडिशन हुई है इस वक्त वो बिल्कुल ठीक हुई है, ठीक है। और हमारे पास मैट्रिक्स की एडिशन करने का तरीका हमने क्या देखा था कि हम नेस्टेड लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितना बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रोज और 1000 कॉलम्स पर डील कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? आप बार बार हर एक एलिमेंट को जाकर ऐड नहीं कर सकते, तो आपको वो काम करने के लिए लूप ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो लूप के जरिए आपका काम आसान हो जाएगा और हम इस तरह से अपनी एडिशन को परफॉर्म करेंगे। अब हमें क्या परफॉर्म करना है? अब हमें परफॉर्म करनी है मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन, और मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मेजर काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स की एडिशन और मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन बहुत हद तक सिमिलर है। और वो सिमिलर क्यों है? क्योंकि हमें उसी तरह सेम लोकेशंस के दोनों मैट्रिक्स से एलिमेंट्स उठाने होते हैं और उन पर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अपने पास यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने सीआउट एंडल को अंदर प्रिंट करवाया था, जो कि नहीं करना था, हमें फर्स्ट लूप से बाहर इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी सेम,
कि हमें नेस्टेड लूप के अंदर जो आउटर लूप है उसके अंदर सी आउट एंगल को प्रिंट कराना है ताकि हमारा मैट्रिक्स ठीक से प्रिंट हो सके। अब मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैट्रिक्स की एडिशन के अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैट्रिक्स ए पहले लिखा था या फिर मैट्रिक्स बी, लेकिन मैट्रिक्स की जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब ये चीज़ बहुत मैटर करेगी कि हमने मैट्रिक्स ए को पहले लिखा था या फिर मैट्रिक्स बी को। इन केस अगर हम मैट्रिक्स ए को पहले लिखते हैं तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी, लेकिन अगर हम यहाँ पर पहले मैट्रिक्स बी को लिखते हैं और यहाँ पर मैट्रिक्स ए को लिखते हैं तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स बी माइनस मैट्रिक्स ए, और इन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आता है। ठीक है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, जनरली। सो इस वजह से हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है और क्या ए माइनस बी ठीक से कंप्यूट हो रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स सी है जिसके अंदर इस टाइम पर ए माइनस बी की वैल्यू पड़ी है। अब ये ए माइनस बी कैसे किया हमने, ये है मैट्रिक्स ए और ये है मैट्रिक्स बी। सो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, इसी तरह 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरह से हमने मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर ली। ठीक है, अब वो चीज़ जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, उसको हम यहाँ पर दोबारा से कॉपी करके मैं आपको करवा के चेक करवाता हूँ कि हमारा रिजल्ट दोनों का डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स पी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और हम इसको एग्जीक्यूट करके जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट और जो हमारे पास पहले रिजल्ट आया था वो डिफरेंट होगा। सो ए माइनस बी का रिजल्ट और बी माइनस ए का रिजल्ट डिफरेंट आने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने रिजल्ट प्रिंट हो गया है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास ए माइनस बी का रिजल्ट और ये है बी माइनस ए का रिजल्ट। ठीक है, और इन दोनों में कितना डिफरेंस है, और ए माइनस बी हमने कैसे कैलकुलेट किया था, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और जब हम बी माइनस ए करेंगे तो वो कैसे होगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने सी प्लस प्लस के अंदर मैट्रिक्स की एडिशन परफॉर्म की, मैट्रिक्स पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, और ये सब काम हमने 2D अरे को यूज करते हुए किया। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।